गए एक महीने से भिवंडी शहर में अलग ही किस्म का राजकारण चल रहा है। सोने का चम्मच आप लेके पैदा हुए हो, लेकिन हमारे भिवंडी शहर में मट्टी का रोड तुमने दिए हो। भिवंडी कॉर्पोरेशन पहली कॉर्पोरेशन है जिन्होंने फॉरेस्ट में भी काम किया है, रोड रास्ते बनाए, स्ट्रीट लाइट लगाए। हमारे भिवंडी शहर को बद से बदतर हालत अगर किसी ने किए और किसी ने हमको तोहफे में दिए तो हमारे विलासार पाटिल साहब ने दिए। फिर वो ब्रिज हो, फिर वो खड्डे का साम्राज्य हो, पानी की व्यवस्था हो। मैं इस शहर के लिए 3 एकड़ जगह फ्री दे रहा हूँ। इच्छा आपका मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है तो गरीबों के लिए वाचनालय कितने बनाए? उनके उनके नजदीक के लोग आके वो शौचालय घर के तोड़ने लगाए, शौचालय तक बांधने दिए नहीं, बस से बदतर हद एरिए की किए। वो विकास की बात करते हैं, हजारों लोगों ने तन मन धन से कितने बार आपको चुन के दिया है, कितने मुस्लिम बच्चों को महापालिका में काम पे लगाया तुमने। हमारे जो बच्चे भाजी के टोकरे टमाटे के थैले उड़ाने के लिए है क्या? उससे तो कई गुना भिवंडी शहर अभी अच्छे हालात में है। भिवंडी को बर्बाद किया, अभी भिवंडी का आगे वही शहर को भी बर्बाद कर देगा। अगर आप भिवंडी में इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इम्पोर्टेड चॉकलेट, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इम्पोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। भिवंडी के पूर्व महापौर विलास पाटिल के कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद भिवंडी में राजनीति गरमाई। दोस्तों, जैसे जैसे महाराष्ट्र स्टेट असेंबली इलेक्शन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर सर चढ़कर बोल रहे हैं। हाल ही में विलास पाटिल ने द वॉइस न्यूज को दिए हुए इंटरव्यू में अपने कार्यकाल में किए हुए कामों को गिनवाया। साथ ही ये भी बताया था कि उन्होंने अपनी 3 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए मुहैया करवाई। वहीं आज भिवंडी मनसे के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गोटके ने विलास पाटिल पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि विलास पाटिल ने खुद का विकास किया इतने सालों में, ना कि शहर का। प्रदीप गोटके ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है कि विलास पाटिल ने अपने वार्ड के इलाकों में कभी किसी चीज की सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई। साथ ही प्रदीप गोटके ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप बोड़के, मैं मनसे में शहर अध्यक्ष था, अभी माजी शहर अध्यक्ष हूँ। मनसे में मैंने इस्तीफा दिया हूँ किसी वजह से। भिवंडी के राजकारण में कम से कम 25 साल से मैं राजकारण में काम करता हूँ। भिवंडी के शिवसेना में 8 साल तक मैं शाखा प्रमुख भी था, उसके बाद में मनसे में 5 साल शहर प्रमुख था, अभी 3 साल से किसी पद पर नहीं हूँ मैं। सामाजिक कार्य मेरा चालू है। फिलहाल आपके माध्यम से जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, मेरे मजदूर भाई जो भिवंडी के हैं, मेरे माता बहन जैसे मध्यम वर्गी हो या पैसे वाले हो, सभी के लिए मैं कुछ बातें एक रहवासी एक इधर का वतनदार बोल के एक नागरिक बोल के मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। गए एक महीने से भिवंडी शहर में अलग ही किस्म का राजकारण चल रहा है। जैसे हमारे जो विलासार पाटिल साहब है, हमारे कोम्बरपाड़े में प्रभाग एक में 5-6 बार चुन के आए, 2-3 बार नगर अध्यक्ष रह चुके, महापौर रह चुके, अभी वो आमदार के इलेक्शन में जो है अपना नसीब आजमा रहे। मैं एक नागरिक बोल के मुझे ये कहना है, क्या हमारे भिवंडी शहर को बद से बदतर हालत अगर किसी ने किए और किसी ने हमको तोहफे में दिए तो हमारे विलासार पाटिल साहब ने दिए। फिर वो ब्रिज हो, फिर वो खड्डे का साम्राज्य हो, पानी की व्यवस्था हो, अभी तो तुम्हारी टोरंट आ गई है, ये सब व्यवस्था को सत्यानाश उन्होंने किया है। और फिर वो न्यूज के माध्यम से आपको बुला के बता दे कि एजुकेशन ये हमारे खानदान का हमारे परिवार का बहुत बड़ा मतलब ये है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एजुकेशन आपका इतना बड़ा
क्षेत्र है, तो गए 25-30 साल में महापालिका में आप चुन के आए हो, मेन पावर आपके पास थी, तो ये चार वार्ड में हमारा गरीब 80% गरीब एरिया है, जैसे माड़ा कॉलोनी हो गया, संगम पारा हो गया, कोम्बर पारा हो गया, बाकी गोकुल नगर राजनगर थोड़ा पैसे वाला एरिया है। हमारे यहाँ 10x10-15 के घर है, तुमने कितने मतलब वाचनालय बनाए इधर, शिक्षा आपका मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है तो गरीबों के लिए वाचनालय कितने बनाए गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए, एक भी नहीं। आप न्यूज के माध्यम से देखो, इस कोम्बरपाड़े के क्षेत्र में कम से कम 2,000-2,500 झोपड़े महापालिका की योजना के माध्यम से शौचालय बांधने की जो स्कीम निकली थी, तो लोगों ने शौचालय बांधने का काम चालू किया तो उनके गुंडे उनके नजदीक के लोग आके वो शौचालय घर के तोड़ने लगाए, शौचालय तक बांधने दिए नहीं, बस से बदतर हद एरिए की किए। वो विकास की बात करते हैं, बहुत बड़ी मतलब सोचने की बात है। दूसरा विषय ऐसा है, माड़ा कॉलोनी हमारे बाजू का एरिया, तुम वहाँ से चुन के आए चारों एरिया में, वो एरिया में तुमने रोड नहीं बनाए, पूरा गंदगी से भरा है साम्राज्य, तुम विकास की बात करते हो। हमारे मुस्लिम बांधव संगम पाड़ा के मुस्लिम लोग जितने भी है माड़ा कॉलोनी के, हजारों लोगों ने तन मन धन से कितने बार आपको चुन के दिया है, कितने मुस्लिम बच्चों को महापालिका में काम पे लगाया तुमने। हमारे जो बच्चे हैं भाजी के टोकरे टमाटे के थैले ही उड़ाने के लिए है क्या आपके पीछे, इतने ईमानदारी से काम करते हैं। एजुकेशन की बात आप करते हो, विकास की बात करते हो, कहाँ है विकास? फिर बोलते हैं क्या कुछ आपके न्यूज़ के माध्यम से, आप न्यूज़ वाले ही बोलते हैं, वो भी बोलते हैं कि हमने कोम्बरपाड़े बहुत विकास किया है। ये जो सीमेंट के रास्ते ये क्या उनके निधि से हुआ है क्या? ये भाजपा के निधि से सब रास्ता बना है एमएमआरडी के माध्यम से, आप भी जानते हैं, महापालिका के नगर सेवक के पैसे से नहीं बनाई है। ये जो रोड सीमेंट का दिख रहा है ना पूरा कोम्बरपाड़े में अजय नगर में, ये भाजपा के निधि से ये बना हुआ रोड है, कुछ इन्होंने किया नहीं है हमारे कोम्बरपाड़े में। और भिवंडी का तो पूरा इतना सत्यानाश के हिसाब के बाहर देखा जाए तो बोले 3 एकड़ जगह है कामवे में एजुकेशन का काम चालू है। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है, अभी इलेक्शन आया इसलिए तुम न्यूज के माध्यम से लोगों को बता रहे हो कि 3 एकड़ जमीन हम शिक्षा के लिए दे रहे, फिर गए 25-30 साल से क्या शिक्षा नहीं थी क्या? 25-30 साल में भिवंडी के साथ बादशाह थे, किंग मेकर थे, फिर आपने वो टाइम पे स्कूल के लिए क्यों नहीं किए? अभी आप जो बता रहे 3 एकड़ जमीन दे रहे, वो टाइम से आपने क्यों नहीं किए? आपके पास पावर भी थी, पैसा भी था, यहाँ से लेके दिल्ली तक आपकी पहुँच है, कोई मामूली आदमी तो हो नहीं, सामान्य कार्यकर्ता हो नहीं, पैसा पावर सब कुछ तुम्हारे पास वो टाइम से था क्या? अभी नया आया क्या तुम अभी दे रहे हो? वो टाइम पे नहीं था क्या तुम्हारे पास? वो टाइम पे भी था ना, वो टाइम पे हमारे भिवंडी वालों को शिक्षा की जरूरत नहीं थी क्या? क्या तुम्हारे पैसे की कमी थी क्या? पावर की कमी थी? सब कुछ था तुम्हारे पास तब भी, सोने का चम्मच आप लेके पैदा हुए हो, लेकिन हमारे भिवंडी शहर में मट्टी का रोड तुमने दिए हो, रोड तुम्हारा, खड़ी तुम्हारी, डांबर तुम्हारा, ऊपर चलने वाला रोलर होप तुम्हारा, लेकिन तुमने सीमेंट और अच्छा डांबर नहीं दिए, मट्टी दिए। चम्मच सोने का भले तुम्हारे पास है, हीरे का चम्मच हो, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। आपके बिना पे कह सकते हैं कि रोड गिट्टी उनकी है, डांबर उनका, रोलर होता है, क्या नाम है उस कंपनी का? आरआर कंस्ट्रक्शन, आरआर कंस्ट्रक्शन से उनका रोलर चलता है, उनका डांबर का गाड़ी चलती है, खड़ी के देखो तुम उनके ऑफिस के पास लगी है, सभी उनका है ना, फिर रोड क्यों नहीं तुमने अच्छा दिए? आज तुम आमदारों को और खासदारों को दोषी ठहरा रहे हो। अरे ब्रिज बना, एक ऐसा ब्रिज पहली बार जो महाराष्ट्र में है, जो हमारी जनता परेशान है, साला वजन गाड़ी जो है वो बेंचो नीचे जाती है, हल्की गाड़ी ऊपर से जाती है, ब्रिज का फायदा क्या है हम लोगों को? क्या फायदा है तुमने किए क्या बैठ के? तुम मैं तो जो पार्टी में वो जा रहे हैं उनको, उस पार्टी के सिलेदार जो बड़े नेता है उनको हाथ जोड़ के नागरिक के तरफ से मैं विनती करता हूँ, उनको टिकट मत दो। भिवंडी में महापौर इनका लड़का बनेगा और आमदार ये बनेगा, भिवंडी को बर्बाद किया, अभी भिवंडी के आजू बाजू शहर को भी बर्बाद कर देगा, सत्यानाश कर देगा, इसने कुछ भी किया नहीं है। मतलब ये है कि जो भिवंडी के जब इच्छुक आमदार का भी है वो चल रहा है उनका, इसका सबको लोगों का खाली बेवकूफ बनाने का उनका काम है। बेवकूफ देखो मैं तुमको बोलता हूँ, आप पार्टी में शामिल है वो कांग्रेस पार्टी में,
ताबड़तोड़ उनको टिकट किस बेस पे दे रहे, गए टाइम पे संतोष शेट्टी ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आया, टिकट लिया, जैसा गिर गया फिर भाजपा में घुस गया, कल को ये गिरने का फिर से कोणार्क में नहीं जाएंगे, क्या गारंटी नहीं है? हर पार्टी को ये सोचना चाहिए, कोई आदमी आता है तो 5-10 साल उसको काम करना चाहिए पार्टी में। आप कह रहे हैं कि पुराने लोग भी है ना कांग्रेस में, क्या वो नहीं है? आप वही कह रहे, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपके हिसाब से फिर कौन जो है योग्य उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, कांग्रेस बहुत ऊंची पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो सोच समझ के जितने जूने लोग है जो पार्टी के लिए त्याग किए, पार्टी के लिए आंदोलन किए, पार्टी के लिए खस्ता खाए, काम किए, बुरे से बुरे टाइम में वो पार्टी के साथ जुड़े थे, तो पार्टी सोच समझ के उनके लिए उनको चांस देना चाहिए। देखो विलासार पाटिल के हमारा व्यक्तिगत शत्रु नहीं है, बहुत अच्छे आदमी हो इंसान बोलते, हमको सलाम दुआ करता, हम उनको सलाम दुआ करते, लेकिन काम के बारे में एकदम जीरो है। जिस तरह से देखा जाए कि भिवंडी के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, वो जो इलाका है वो भिवंडी का एक बहुत ही प्राइम इलाका माना जाता है, बराबर, और ये उनके ही वार्ड में आता है। हाँ। और हमेशा जब भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि विलास पाटिल के वार्ड में देखिए कि आप वहाँ पे गार्डन है, वहाँ पे इतनी सारी सुविधा है, तो आप जैसे बता रहे तो यहाँ पे क्या कमी आ गई? ये कुंभड़पाड़े में कुंभड़पाड़ा हो गया या संगमपाड़ा हो गया, जैसे कि अभी आप बता रहे माड़ा, मैं बोल रहा ना माड़ा कालनी का, तुम रोड देखो ना, रोड का काम अभी जो महेश चौकरे ने उसने ओपनिंग किया समझो, अभी काम चालू हो गया है, इतने साल से मतलब उधर का रोड का काम हुआ ही नहीं। और दूसरा बात कुंभड़पाड़े में जो कमियां ये है, जो बैठे घर है हजारों घर है, उसने उधर शौचालय तक बांधने दिया नहीं ना सर। मेरा ये बोलना है अपने वार्ड में शौचालय हक नहीं है क्या लोगों का? घर में बांधने का हक नहीं है क्या? तो इन्होंने बांधने नहीं दिया ना, लोग आज शौचालय में 2-3 रुपए देके जाते हैं। एक गरीब आदमी जो महीने का 10,000 कमाता है, उनके घर में 4-5 आदमी है, तो रोज क्या, वो अगर रोज 30 रुपए उधर देगा तो 1,000 रुपए उसका जाता ना शौचालय में। जो शौचालय बाजू में है वो तक तोड़ा गया है, पांडापुर ट्रस्ट के जगह पे जो परशुराम टावर जो आमदार थे 30 साल पहले, उन्होंने शौचालय बांधे थे इधर, वो शौचालय तोड़ दिए उन्होंने, उसका शूटिंग है मेरे पास, वो शौचालय तोड़ दिया, लोग पानी भर के उधर आते थे शौचालय में जाते थे, उनका पैसा बचता था। आज स्लोप शौचालय क्या कारखाना एरिया है क्या? गोडाउन एरिया है क्या? गरीब लोग रहने वाले लोग हैं वहाँ शौचालय जाते हैं, तुमने ये सब नहीं दिया, लोगों को एकदम हालत खराब कर दिया। तुमको बोलता अभी दूसरी बात सबसे महत्व की बात है, अपनी कामोरी नदी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, कामोरी नदी जो अपनी मिल्लत नगर से जो आती है, तो आगे से आती है, मिल्लत नगर हो गया, फिर तुम्हारा नदी नाका हो गया, तुम्हारा माड़ा कलनी हो गया, तुम्हारा संगम पाड़ा हो गया, फिर ऐसा घूमते घूमते आजय नगर, फिर बाद में जूना अपना ब्रिज, कौन सा जूना ब्रिज, आज ये नदी एकमेव नदी है कामोरी नदी भिवंडी शहर की। उस नदी को तुम इतने साल से पावरफुल नेता हो, हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता ने तहसील में तलाटी में आयुक्तों को लेटर दिया है कि भाई ये नदी को तुम खोदो, उसको पत्थर से बांधकाम करो, और आजू बाजू में जो 2-3 एकड़ का जो 2-3 किलोमीटर की जगह है वहाँ पे तुम महापालिका के स्कूल बांधो, कॉलेज व्यायामशाला बांधो, जिम दो, वॉकिंग जोन बनाओ, गार्डन बनेगा बहुत 2 किलोमीटर, कहाँ से मिल्लत नगर से लेकर तुम करोगे तो सीधा तुम्हारा ये काजी नगर तक पूरा साइड। तो उसके बजाय लोगों ने उधर 200-250 घर बांधे नदी में, किसके आशीर्वाद से? ये भाई साहब के आशीर्वाद से, विलास साहब साहब के 200-250 घर खाड़ी में बांधे, 2 दिन पानी गिरता पूरा पानी रोड पे आता है, किसकी बदौलत है ये? तुम भिवंडी के एक बड़े नेता हो, नगर अध्यक्ष महापौर रह चुके, तुम्हारा काम है क्या मेरे वजह से या मेरे एरिए के वजह से भिवंडी में गंदगी नहीं फैलना चाहिए, लेकिन 2 दिन पानी गिरता है तो सब झोपड़े घरे भरनी डाल के बांधे गए, तुमको रोकना नहीं चाहिए, इनलीगल काम है। भिवंडी शहर में पानी आता है 2 दिन पानी गिरने के बाद, तो नदी खोल करके नदी खूबसूरत बना के तुम नहीं कर सकते थे? कर सकते ना, आज हमारे हिंदू धर्म का गणपति बप्पा हो संडस के पानी में नदी नाले के पानी में हम लोग विसर्जन करते, तुम इतने साल से इतने बड़े नेता हो, तुम सुधारना नहीं कर सकते? तुम क्यों नहीं किए? जब विकास की बात करते हो ना, बहुत से विषय ऐसे हमको तकलीफ होती है इधर के हम लोग रहवासी है बोल के। तो बड़े साहब ये सब चीजों के ऊपर आपने पहले की आवाज नहीं उठाई, और आज ही आप जैसे कि अभी इलेक्शन का माहौल है गर्म है, तो इसमें आप क्यों उनके ऊपर जो है इस तरह के आरोप लगा रहे? बहुत अच्छा सवाल है साहब, मैं कोई आमदार का खासदार का इलेक्शन के लिए सब नहीं कर रहा हूँ, वो इलेक्शन को खड़े रहने के लिए उन्होंने बताया कि मैंने इतना विकास किया है, उन्होंने बताया एजुकेशन के लिए मैं इतना गया हूँ और कर रहा हूँ, तो उसके बाद एक जागरूक नागरिक बोल के हमारा काम है। हम लोग अगर आज चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा कोई भी आदमी झूठे बातें करके मीडिया को दिशा भूल करके नागरिकों को गलत रास्ते का मतलब बता के मैं कितना भारी आदमी हूँ तो चलेगा नहीं। एक जागरूक नागरिक बोल के मेरा कर्तव्य
अब मैं ही नहीं, मेरे ऐसे लाखों हजारों लोग करते हुए लोग रोड पे उतरना चाहिए। मेरे सभी मजदूर भाइयों से, भिवंडी के रहवासी से मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों को चुन के देना। मतलब भिवंडी को 50 साल पहले इन्होंने दूर भेजा है और 50 साल दूर जाएंगे हम लोग, ऐसी विनंती है मेरी इनको मत दूर। तो भिवंडी का 54 नंबर मार्केट है अपना, 54 नंबर मार्केट कितने सालों से वो जमीन महापालिका के अंडर में है। अगर ये इनके पास इतनी पावर है तो वो 54 नंबर मार्केट वो ताबड़तोब कब का बांध के जो 3 बत्ती में जो आज जो ट्रैफिक जाम होती है, हालत खराब होती है, वो उधर मार्केट कर नहीं सकते हो? करना चाहिए था कब का, जब विकास की बात इतनी है। दूसरी बात, ये जो आनंदा भोईर का टावर है छत्रपति शिवाजी के सामने, जो 22 माले का 24 माले का है, महापालिका ने उसके ग्राउंड में पब्लिक के लिए 4-व्हीलर और 2-व्हीलर के लिए पार्किंग की व्यवस्था की है। तो तुम इतने बड़े नेता हो, भिवंडी के जिम्मेदार तुम बंदे हो, तुम उस उधर वो जितने पार्किंग की व्यवस्था लोगों को, वो महापालिका को और जितना भी करके आयुक्तों को बोल के वो पार्किंग उधर होनी चाहिए। सब गाड़ियाँ रोड पर लगती है। आज तुम्हारे हमारे परिवार को, पूरे भिवंडी को कितनी तकलीफ होती रोड पर जाने के लिए। सब रोड पर 4-व्हीलर बाइक पार्किंग होती है, वो 4-व्हीलर और बाइक उधर पार्किंग होगी पार्किंग जोन में तो महापालिका उत्पन्न चालू हो जाएगा। वो भी मामूली मामूली बात आप किए नहीं। फिर दूसरी बात, 54 नंबर अपना ये तुम्हारा जगताप मार्केट जो है, ये जो नाले पे बांधा है, ये लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके वो सड़ रहा है, खत्म हो रहा है। वो मार्केट किस काम का है? कुछ भी नहीं। वो पैसा किसका है? तुम्हारा हमारा है। हम नहीं बोलने का, बोलेंगे ना हम? देखो, मेरा ये मानना है और आपका भी यही मानना है कि जो आदमी ईमान से समाज के लिए कुछ करना चाहता है वो करेगा ही, और जो लाचार आदमी है वो कितना भी बड़ा रंदे, कितना ही बड़ा, वो सिर्फ खुद के लिए करेगा, समाज के लिए नहीं करेगा वो।